बभूविथ अधाते सुम्नमि महे ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषो मातृशक्ति मन है सत्तेन शुद्धि। मन की शुद्धि के मन को ठीक रखने के तीन साधन हैं, सत्संग, स्वाध्याय और बोलो तीसरी साधना। तीनों फिर याद कर लो, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। सत्संग माने सत्य बातों को, सिद्धांत को। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से अविद्या का नाश होता है, और जितना जितना अविद्या का नाश होता जाता है उतना उतना मन पवित्र होता जाता है। अविद्या जो है वो उससे मन और बुद्धि की पवित्रता यदि है तो वो उत्तम बातों को सुन के विचार करने। अब सत्संग जो है, सत्संग शब्द प्रचलित शब्द है और समाज में आप देखते हो कि चारों ओर सत्संग कहीं ना कहीं होता रहता है। ये फला का सत्संग है, फला का सत्संग है, फला का सत्संग। लेकिन हम देखते हैं सत्संग के नाम पर प्राय असत्य का प्रचार बहुत होता है। असत्य जैसे महिमा का प्रचार होता है गुरु की, ऐसी महिमा का प्रचार होता है जो संभव नहीं। लेकिन जो सत्संग करने वाले लोग हैं उनके फॉलोवर्स हैं वो उसको सत्य मान लेते हैं। तो अविद्या बोलो बढ़ती घटती बढ़ रही है अविद्या। यदि सत्संग इतने हो रहे हैं तो विद्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? लेकिन विद्या बढ़ने की वजह क्या हो रही है? अविद्या बढ़ रही है, अज्ञानता बढ़ रही है, अंधविश्वास बढ़ रहा है, रूढ़िवाद बढ़ता जाता है। अब ये रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद यह है कि सत्संग में किसी ने कहा कि देखो यदि तुम गुरुजी के पैर की मिट्टी को उठा घर ले जाओगे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप बोलो समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। अब बोलो क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है बिना कुछ करे हो जाए? लेकिन किसके नाम पर हो रहा है? सत्संग के नाम पर हो रहा है, लोग भागेंगे। इसलिए सत्संग का सीधा अर्थ है जहां पर सत्य की प्राप्ति। असत्य से जीव छूट जाए, झूठ छूट जाए, उसका नाम क्या है बोलो? सत्संग है। अब हम सत्संग के संबंध में चारों ओर देख करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो वेद के अनुकूल, वेद के अनुकूल जिन चीजों को जानने के लिए मनुष्य लगे उसका नाम ही बोलो सत्संग। दूसरा स्वाध्याय है। सत्संग के संबंध में बहुत आपको उसको ज्यादा पता है, करते रहते हैं इसलिए उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना। अगले दो पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन पर ज्यादा समय लगाना। स्वाध्याय जो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं ना उसके दो भाग हैं, एक साधना और दूसरा बोलो स्वाध्याय, उपासना और स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करना, उत्तम पुस्तकों को पढ़ना, इसको भी ब्रह्म यज्ञ कहा। चूंकि ब्रह्म से दो का ही अर्थ लिया जाता है, एक परमात्मा का और दूसरा बोलो वेद का। वेद को शब्द ब्रह्म कहा है। अब स्वाध्याय किन ग्रंथों का करें, किन पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, किन को पढ़ने से भ्रम की उत्पत्ति होगी? क्योंकि संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत सी चीजें हम पढ़ते, बहुत सारी कहानियां पढ़ते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे हृदय को पवित्रता देती है, हमारी अज्ञानता का नाश करती है, और कुछ चीजें जो भ्रम पैदा करती है, बोलो है कि नहीं? जैसे पुराण है,
आपने कोई पुराण पढ़ा तो पुराण से क्या पैदा हुआ, पढ़ने से आपको भ्रम पैदा होगा। जैसे पुराण में आपने पढ़ा कि गोकर्ण की उत्पत्ति गाय से हो गई, गाय से गोकर्ण पैदा हो गया। कैसे पैदा हो गया, अब देखो लोग कथा सुनाते हैं भागवत में कैसे हो गया पैदा। बोले एक पंडित जी थे, आत्मदेव नाम था उनका। आत्मदेव नाम के पंडित ने तपस्या की बहुत, उसको वो संतान नहीं थी। तो उसको कहा कि तुझे संतान होगी नहीं, संतान तुझे पैदा नहीं हो सकती, तेरे भाग्य में संतान इस जन्म में नहीं है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, उसकी पत्नी धुंधली थी। तो धुंधली ज्यादा धार्मिक नहीं थी, धुंधली में ज्यादा आत्मदेव पंडित थे विद्वान। आदे ने तपस्या की, जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर वरदान दिया और उनको कुछ पदार्थ दे दिया। किसी पंडित ने, विद्वान ने, किसी गुरु ने, किसी आचार्य ने बोले ये ले जाओ, ये अपने पत्नी को खिला देना है लड्डू, इसके खाने से तुम्हारी पत्नी को गर्भ हो जाएगा और वो हो जाएगा। अपने पति की बात को मानती नहीं थी, उसने रख दिया लड्डू, ऐसे मैं नहीं खाती, तू तो ऐसे कहता रहता। और लड्डू जो है बताया तो नहीं मैं नहीं खाऊंगी, खाऊंगी नहीं, ये तो कहा नहीं खाऊंगी नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो लड्डू गाय खिला दिया और अपने आप अपनी बहन से संबंध बना लिया कि तेरे जो संतान पैदा होगी 8-10 महीने बाद मुझे दे दियो। अब वो जब लड्डू गाय खिला दे, गाय गर्भवती होगी और गाय को पुत्र पैदा हुआ धर्मात्मा, उसका नाम था गोकर्ण। अब बताओ ये हो सकता है ऐसा? लेकिन इनका नाम हमने स्वाध्याय कथा कहीं सुनी जा रही, लोग सुनते रहते हैं। ऐसे गणेश जी की उत्पत्ति कथा आपने सुनी होगी, ऐसी बहुत सी और कथाएं हैं। ये कथा केवल पुराणों में ऐसा नहीं, ये बाइबल और कुरान में भी, दूसरे ग्रंथों में इस प्रकार कथाएं। तो ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय से बोलो भ्रम पैदा होते, भ्रम निवारण होता है। इसका नाम स्वाध्याय नहीं। निजानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्यास को जो लिखा, उसमें उन्होंने आप पढ़े तो उसमें पता चलेगा, उन्होंने लिखा किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, किन को नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने फिर सब ग्रंथों की सूची बनाई और सूची में ये किया कि दो प्रकार के ग्रंथों को बनाया, एक आर्ष ग्रंथ, एक अनार्ष। एक क्या बनाए बोलो, आर्ष ग्रंथ, दूसरे क्या बनाए, अनार्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ कौन से हैं, बोले आर्ष ग्रंथ वे हैं जो वेद के अनुकूल हैं, और अनार्ष ग्रंथ कौन से हैं जो वेद के बोलो विपरीत, जो सृष्टि कर्म और वेद की विद्या के विपरीत हो, जो ज्ञान के विपरीत हो, अनार्ष ग्रंथ। फिर आर्ष ग्रंथों के भी दो भाग किए, एक को लिखा स्वतः प्रमाण, एक को लिखा परतः प्रमाण। बस समझ में आ रही है तेरे लोग जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा बात कठिन हो सकती है आपके लिए, लेकिन आप पुराने लोग बैठे हुए, और कल को पूछूंगा जरूर, मैंने कल क्या बताया था, क्योंकि वो बैठे पीछे हमारे श्यामलाल जी और सत्यनारायण जी बैठे हैं। तो ये जो हमारा सत्संग है, ये सत्यवचन महाराज वाला तो है नहीं, ये तो समझे समझने का है, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति बोलो नहीं होती, जन्म चाहे जितने लग जाए, लेकिन बिना ज्ञान के होगी नहीं। तो अज्ञानता का निवारण तो ज्ञान से ही होगा। इसलिए जब बहुत डीपली हम किसी विषय के भीतर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उसमें ज्यादा श्रम करना, ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है, ज्यादा विचार करना पड़ता है। ये डीपली नहीं जाओगे, गहराई में नहीं जाओगे तो फिर उथला उथला रह जाएगा। फिर वो ज्ञान की जो आनंद की प्राप्ति है, तो जितना जितना ज्ञान गहरा जाएगा उतना उतना सुख बढ़ेगा। तो ग्रंथों के दो भाग कर दे, एक स्वतः प्रमाण, एक परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण वह है जिसके प्रमाण के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और परतः प्रमाण वह जिसके प्रमाण की प्रमाणिकता वेद ने दे दी। वेद ने कह दे बात ठीक है इस ग्रंथ की, इसलिए जो वेद के अनुकूल पुस्तक है उनको पढ़ने का नाम स्वाध्याय। बस सीधी बात, स्वाध्याय का दूसरा अर्थ क्या होगा, अपना भी अध्ययन करना,
आप जब अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करोगे तो आपका ज्ञान चक्षु खुलेगा, फिर आप अपने जीवन को देखोगे और अपने जीवन को देखोगे कि मेरे जीवन में न्यूनता क्या है, कमी क्या है, खामी क्या है। याद रखना, जिस दिन मनुष्य अपनी बुराइयों को देखना प्रारंभ करता है उस दिन से अच्छा बनना प्रारंभ होता। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर जो कमाई देख ले। कभी कभी बुराई आदमी देखता होता है, पर तब देखते हैं जब कुछ रहता नहीं। उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो तब आया ढंग। ढंग पे कब आया? जब ढंग नहीं रहा ठीक, अब जाने का नंबर, अब क्या करेगा ढंग ला करके। पहले ढंग पे आ जाता तो जीवन बदल जाता। ढंग पे कब आया? जब सारा मामला बेढंग हो गया। जब थे करने के दिन तब तो कुछ ना किया, तब तमन्नाओं ने समय ना दिया। जवानी का खून घर की जोकों ने चूसा, फिरे अब बुढ़ापे का पिंजर उठाए। बीते हुए दिन बहुत याद आए, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए। सबक पिछला भूला आगे पढ़ता गया, आयु घटती गई और मैं बढ़ता गया। न सोचा ये जीवन है दरिया सा पानी, न सोचा ये जीवन है दरिया सा पानी, जो कल बह गया आज वापस न आए। वो बीते हुए दिन बोलो हाँ, वो बीते हुए दिन बहुत याद आए, है ना। बीत जाता है समय, तो होश में आए भी तो कब? जब खजाना लूट गया तब होश में आए तो क्या? वक्त हसरत हाथ मल के पछताए तो क्या? अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई। तो सोचते तो है, विचार तो किया मैंने, क्या किया मैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो कब किया? जब जाने का समय आ गया, जब चार कंधों पर जाने का अवसर है, तब कहता है मैंने क्या किया, हाय मेरा जीवन ऐसे चला गया। वो एक कहानी पढ़ी हमने पहले, एक नामदेव नाम के संत हुए महाराष्ट्र, वो नाम था नामदेव। तो नामदेव के संत के पास एक सेठ जी एक दिन आए नगर के। नामदेव जी ईश्वर के बड़े भक्त थे, सत्संगी आदमी थे, सत्संग करते रहते, राग द्वेष से बचे हुए थे। एक छोटी सी दुकान चलाते परचून की। अब सेठ जी एक दिन आ गए, नगर के बड़े सेठ थे, कपड़े का बड़ा व्यापार था, ब्याज पर पैसे भी चलते थे, लेन देन था बहुत बड़ा, लंबा जो टर्नओवर था। सेठ जी एक दिन आ गए और देखा कि महात्मा इस संत के पास ज्यादा सामग्री तो नहीं है, छोटी सी दुकान है, छोटा सा मकान है, पर बड़े मजे में आनंद में रहता है। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुखी। बोले तुम तो बड़े सेठ हो। बोले बड़ा सेठ हो दुखी क्यों? बस दुखी रहता हूं, मुझे बस मेरा मन शांत नहीं रहता। मेरा मन क्या रहता है बोलो? अशांत रहता है, परेशान रहता हूं। बोले बच्चे? बोले बच्चे हैं चार, चार बेटे, चार पुत्र वधू पोते, भगवान कृपा से परिवार बढ़िया।
सेवा बोले सेवा खूब करें, बच्चे बोले बच्चे बहुत अच्छे, फिर बोले बस मुझे भय बना रहता है, पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग में आती है, मुझे क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, पैसे बोले पैसे कमी नहीं, फिर भी दुखी हूं, परेशान हूं, नींद नहीं आती, परेशानी में रहता हूं। अच्छा, नामदेव बोले भैया एक बात है, अब तुझे क्या बताऊं, पहले आता कुछ बताता भी, तू लेट आया, देर से आया, है ना, आए तो पर देर से आए, तुम्हारी सुख का उपाय बताता तुम्हें सुखी रहने का, पर तुम देर से आए हो, लेट आए हो, तुम्हारा जब क्या होगा, बोले बस अब कुछ नहीं होना, तुम्हारे तुम्हारे तो अब 7 दिन कुल बचे, 7 दिन, 7वें दिन तुम मरी जाओगे, और 7 दिन के लिए कहे को पूछते फिरते हो, ऐसे लोग क्या कहा, 7 दिन में तेरा टिकट कट जाएगा, तेरा टिकट मिल जाएगा अगला। अच्छा महाराज बोले हाँ, केवल 7 दिन तेरे पास बचे हैं, इससे ज्यादा समय नहीं तेरे पास। इसने कहा वो तो बड़ी समस्या हुई, 7 दिन, बोले केवल 7 दिन जीवन, 70 साल की आई, विचार करने लगा 7 दिन कुल बचे, जीवन में अब तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, सारा जीवन लड़ाई में झगड़े में टंटे में, बोलो इसे बीता नहीं बीता, जीवन बीत गया ऐसे झगड़े में, और अब 7 दिन कुल बचे, अब कम से कम कुछ नहीं बचा, 7 दिन तो बचे, इन्हें का उपयोग कर लूं, इन्हें कुछ अच्छा बना लूं, कितने बचे बोलो, जोर से बोलो, 7 दिन बस। तो घर आए, तो घर आ करके शांति, उस दिन कुछ बोले नहीं, चुप चुप, आज तो एक दिन चला जाएगा, फिर 6 रह जाएंगे, गिनती में लग गया, आके बोला पुत्र वधू ने कहा पिताजी भोजन कर लो, रोटी खा लो, हाँ हाँ लिया, भोजन आया तो भोजन चुपचाप कर लिया, नमक नहीं था सब्जी में, बिना नमक की खा ली, बाद में बहू ने भोजन किया, उन्होंने किया नमक तो नहीं, पिताजी ने बताया भी नहीं, और पिताजी तो बड़े हल्ला गुल्ला कर देते थे, पिताजी थाली फेंक देते थे, इतनी पर तो गुस्सा करते थे, तुमसे नमक नहीं डलता, तुम आंख खोल के नहीं बनाती भोजन, तुम्हारी आंख बंद है, 10 बात सुनाते, पर आज तो कुछ सुनाया नहीं, आज तो चुपचाप भोजन कर लिया। बहुए बोले पिताजी आज आपने बताया नहीं था, नमक भी नहीं है, बोले बेटा क्या बताना, 6 दिन की तो बात कुछ रही गई, 6 दिन की क्या झगड़ा करना था, जैसा दोगे वैसा खा लेंगे, जैसा दोगे, अब 6 दिन के लिए क्या झगड़ा करना था, कहां सारी उम्र छोड़े खाना, 6 दिन के लिए। बहू बोले पिता 6 दिन का क्या, बोले बस संत के पास गए थे, हमारी उम्र तय कर दी संत ने, बस 6 दिन बचे हैं जीवन के, बाकी समय नहीं। अच्छा, रात को बेटे आए दुकान से, पहले तिजोरी की चाबी अपने पास रखते थे, लोकर की चाबी सब, आकर के बच्चों को, बेटा अपना संभालो काम जाओ, सारा जीवन बीत गया तुम्हारे चक्कर में, भगवान का भजन नहीं किया, 5-4 दिन तो भजन करने दो, अब तो दिन ही 6 बजे थे। पिताजी इतनी नम्रता से बोले, बच्चे चाहते थे चाबी हमें मिल जाए, बहुत बार प्रयास किया, पर बूढ़े ने दी नहीं थी, अब आज अपने आप दे, बच्चे तो हमारी प्रतीक्षा करते हैं कई बार तो, कि बूढ़ा पता नहीं कब लिफ्ट करे। कोरोना काल में बहुत से लोग मरे, तो एक महिला कह रही एक दिन अपनी पड़ोसन से, बहू कह रही कि देखो कोरोना काल में कई बुढ़िया मर गई मोहल्ले की, हमारे वाली के पर्चे पता नहीं भगवान ने कहां खो दिए, इसकी फाइल नहीं खुली दिखे, भगवान ही भूल गया इसकी फाइल को, तो उनका कई बुढ़िया मर गई मोहल्ले गांव की, पर ये हमारे वाले का नंबर देख लो। बच्चे बच्चों को बड़े भार लगने लगते। एक दिन तो एक बच्चे ने कहा अपने दादा से, दादा तुम कब मरोगे, दादा तुम कब मरोगे,
दादा बोला तू मुझे मारने को चाहता है, तुझे पैसे देता हूँ, टोपी देता हूँ, चीज ला के देता हूँ, तुझे अपने पास रखता हूँ, तुझे आम रस पिलाता हूँ, जूस पिलाता हूँ पगले। नहीं पापा, दादा मैं नहीं कह रहा हूँ, मम्मी पापा से कह रही थी ये बूढ़ा पता नहीं कब मरेगा, मरे तो कमरा खाली हो जाए, किराया आना शुरू हो जाए। इस मानसिकता में जब समाज जीने लगे तो उससे ज्यादा पतन बोलो और क्या हो सकता। इसलिए मैं तो बूढ़ों से कहता हूँ, सच्ची बताऊं, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़े रुपए बचा के रख रहा है। भाई बच्चे सबके अच्छे हो, अच्छी बात है, पर फिर भी मैं साथ ना रहने के लिए कहता हूँ। खैर आपको दिक्कत नहीं, आप सब उसमें ज्यादा होता है इस मामले में, हो अपने अपनी पब्लिक करके रखो, उसका अपना ब्याज से काम तो करे, बच्चों की तरफ देखना ना पड़े, बच्चे हमारी तरफ देखे, क्यों त्रिलोक जल्दी है कि नहीं बात, बच्चे हमसे देखे, पिताजी कुछ दे, हमें बच्चों की तरफ देखना ना पड़े, क्यों घनश्याम जी है, तो इससे क्या होगा, इससे हम सुरक्षित बने रहेंगे। वैसे तो बच्चे संस्कारी हैं, बढ़िया हैं, फिर भी आज के समय को देखते हुए भाई मैं तो कहता हूं, तो आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा सुरक्षित चीज है। तो क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या, आज का जो समय है अर्थ प्रधान हो गया, अर्थ प्रधान, यह हर चीज पैसे से तुलना होती, दोस्ती हो मित्रता हो किससे होती है बोलो, पैसे वाले से। आपके पास पैसे नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई नमस्ते नहीं करेगा, पैसे हैं सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी करेंगे, और भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो जाए तो पूछने वाला नहीं है। ये जो जगत है ये क्या है, ये सारा जगत स्वार्थमय है, बोला है कि नहीं, कोई किसी को बिना स्वार्थ के नमस्ते भी करने को तैयार नहीं है, स्वार्थ सारे जगत में कुछ ना कुछ एक दूसरे से है। तो बच्चे बड़े खुश, पिताजी ने चाबी अपने आप ही दे दी आज, नहीं तो मांगने से भी नहीं देते थे। क्या हुआ पिताजी को, बोले बेटा हमें भगवान की उपासना कर रहे हैं तो मन को ठीक करने दो, हम जीवन भर बुरे काम करते, आज अपने आप को देखने का प्रयास। अब एक दिन और बीता, उपासना करने लगे, अगले दिन पड़ोसियों के पास गए, भैया तुमसे बड़ी लड़ाई की थी, अब झगड़े को माफ करना, मैं तो जाने वाला हूं, पांच दिन में इतना समय बचा है, मुझे क्षमा कर। ये होता है जब व्यक्ति अपना चिंतन प्रारंभ कर, अपने बारे में विचार, अपने बारे में सोच। चार पांच दिन बढ़िया बीते, दुकान पर गए सबके साथ प्रेम से बोले, पहले तो ग्राहकों को धमकाते, अब बड़े प्रेम से, ब्याज वाले आ गए ब्याज देने के लिए, सेठ जी अगले महीने, हाँ कोई बात नहीं तो लड़ाई करते। माने कुल मिलाकर के जीवन में क्या प्राप्त हो गई, शांति, क्या मिली बोलो, शांति बाहर नहीं, शांति आपके भीतर है, बस वो आप उसको ढूंढ नहीं रहे, आपने अशांति को अपना लिया है। आप शांति चाहते तो हो पर रहते अशांति के पास, व्यक्ति सुख चाहता है पर दुख के पास रहता, साधन किसे कर रहा है, दुख के, चाहता क्या है बोलो, सुख। अच्छा बोलो सुख किससे मिलेगा, मुझे बताओ, भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा, सुख, हम करते नहीं, सेवा करने से क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, सुख, करते नहीं, माने फल तो चाहते सुख का, फल तो चाहते पेड़ भी, पेड़ लगाना नहीं चाहते, पेड़ को दूसरा लगाए फल हम खाएं, ऐसी भावना में जी रहे हैं। बंदवार चार दिन बीते, पांच दिन बीते, छठा दिन हो गया, सातवां दिन आज आ गया है, और सेठ जी तो सुबह चद्दर धरते बिछा करके बैठ गए, आज तो हमारा अंतिम दिन, आज तो हम मरेंगे, मरने का दिन आज आ गया है, लेट गए, कब बैठे भगवान की भजन करें, और सब परिवार ने छुट्टी कर ली, आज पिताजी मरने वाले, लड़के नाती रिश्तेदार सब आ गए, पहले फोन कर दिया, आ जाओ भाई, सब सबको, बेटी को बुलाओ, सबको बुलाओ। गीता में एक बात लिखी है, जैसी मनुष्य की मति अंतिम समय रहती है, यदि अंतिम समय जैसी मति रहती है वैसी गति होती, जैसी मति वैसी गति। अब एक व्यक्ति मरने लगे,
उनके चार बेटे, उनके पिताजी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया जिंदगी में। बच्चों ने सोचा पिताजी मर रहे, इनके मुंह से भगवान का नाम एक बार डल जाए तो गति हो जाए। और उसने कभी जीवन में, अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, अंतिम में मनुष्य को क्या याद रहता है? मनुष्य उसी को पुकारेगा जिसको अत्यधिक प्रेम करता है। कोई मेरे बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, तो बेटे बेटे को बुला के संसार में आना पड़ेगा, और भगवान को बुलाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो जो जीवन में आपने अभ्यास किया अंत में हो तो याद आएगा नहीं आएगा बोलो? जो अभ्यास वो याद आएगा। अब कभी भगवान नाम लेने का अभ्यास किया नहीं था। अब बच्चे सोचने लगे, लड़के भी, पिताजी के मुंह से कम एक बार ओम तो निकल जाए। पिताजी ओम बोलना, पिताजी ओम बोले, बेटा बोला नहीं जावे, बोला नहीं जावे, इतना बड़ा वक्त कह रहा पर ओम नहीं कह रहा। ओम बोले पिताजी, बोले बोला नहीं जावे, मुझसे निकलता नहीं है। बच्चों ने सोचा, लड़कों ने, कि एक युक्ति हमारे पास, उससे पिताजी ओम बोल सकते हैं। कैसे? बोले हमारी जो बहन है कमला, उसके पति का नाम ओम प्रकाश है। क्या नाम? बोलो ओम प्रकाश। उस ओम प्रकाश जी को लाके इनके सामने खड़ा करेंगे और पूछेंगे पिताजी ये कौन है, तो क्या कहेंगे? ये बोलो जोर से, ओम प्रकाश है। तो इनके मुंह से क्या निकल जाएगा? ओम निकल जाएगा। पड़ोस के गांव में लड़की थी, वो नगर में बाहर नहीं थे, सरदार नगर से, सरदार नगर गए और कार में बिठा करके बेटी को भी ले आए, भाई बहन को भी और उसके पति को भी ले आए, और उनके पति को ओम प्रकाश को सामने खड़ा किया। पिताजी पहचानते हो कौन है? बोले और पहचानते हैं, मूर्ख थोड़े हूँ, मुझे पागल समझते हो, मैं जानता हूँ ये कौन है। बोले कौन है ये? बच्चों ने क्या सोचा, क्या कहेगा? बोले ये कमला घरवाला है, और कौन होता? कमला का पति है ये। ओम ओम प्रकाश फिर भी नहीं कहा, इतना तो कहा ये कमला का पति है, पर ओम प्रकाश फिर भी, तो यदि आपकी मति नहीं बनी तो गति भी नहीं होगी। अब सेठ जी जब इस तरह बैठ गए कि मेरा अंतिम समय है, तो उधर से नामदेव भी चले आए। बच्चों ने देखा, वही संत है जी ने हमारे बाप का पागल बनाया, ये संत है इसको पकड़ो। गुरु जी घर आओ, आगे आपने हमारे पिताजी को कौन सी पट्टी पढ़ा दी? 7 दिन से मरे मरे करे, आज तो मरने के लिए बैठे। आ संत को देख करके सेठ जी खड़े हो गए, चरण छू के बोले भगवान मेरा जीवन धन्य हो गया, मरते टाइम आपके दर्शन भी हो गए, अब मेरी मुक्ति पक्की, संत के दर्शन हो गए। बोले क्या बात हुई? बोले ये बात है, सारी बात बताई। नामदेव ने एक बात कही, ईमानदार से बताना तुम्हें 7 दिन कैसे कटे? ये 7 दिन तुम्हारे, बोलो। बोले जी मजे में कटे, लड़ाई हुई बिल्कुल नहीं, झगड़ा हुआ बिल्कुल नहीं, लालच मन में आया बिल्कुल नहीं, किसी का पूरा करना मन में आया, बोलो। तुम्हें पता था 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है, उस कारण से तुम्हारे 7 दिन समर गए। हमें तो ये भी नहीं पता अगला पल हमारा है कि नहीं, तो हम क्यों बिगड़े? अगला हमारा पता है, कुछ क्षण हमारा कल आएगा क्या? हम किस लिए उल्टे काम में लगे हैं? ऋषिदास जी महाराज कह रहे हैं, निरंतर मृत्यु योपयंतो पदे पदे हमारे सामने खड़ी है, पता नहीं कब काल आकर के हमें ले जाए। इससे किससे पहले क्या करो, अपने जीवन को ऐसा बना लो स्वाध्याय के द्वारा कि अपने जाने का अफसोस ना हो, और अगला जन्म हमें क्या मिल जाए बोलो? उत्तम मिल। इसका नाम स्वाध्याय। अपने जीवन को देखो, अपने बुराइयों को देख के उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही सद्गुण को स्वीकार करता है, सद्गुणी बनता है। ओम दियो शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की।
सभी को सादर नमस्ते।